नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूँ जिस तरीका से नागिन 4 की शुरुआत हुई है, जिसमें कि निया शर्मा एक अहम किरदार में, उनके साथ में जैस्मिन भसीन काम कर रही है। जैस्मिन भसीन की बात करें तो उनका एक दमदार और सुपरहिट रोल रहा है। कहीं ना कहीं लोग उनको देखना काफ़ी टाइम से चाह रहे थे और लोगों की ख्वाहिश के ऊपर ही निया शर्मा और जैस्मिन भसीन दो नागिन बनी हुई हैं। नागिन की बात करें तो नागिन की सबसे सफल सीरीज में से भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक सुनने में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीका से पहला एपिसोड दिखाया गया है कि 2019 की फाइनल लिस्ट में ये शामिल हो सकता है ये सीरियल। क्योंकि TRP की बात करें तो कलर्स चैनल का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर शो होने जा रहा है। कलर्स चैनल की बात करें तो अब तक खाली बिग बॉस ही इस शो से ऊपर है, लेकिन सुनने में आ रहा है अगर नागिन ठीक ठाक से चलता है तो नागिन सबका फेवरेट बन जाएगा। अगर नागिन सबका फेवरेट बनता है तो 2019 की TRP की लिस्ट में नागिन 4 सबसे ऊपर और सबसे अच्छा सीरियल बनने की कगार पे है। आप लोगों को बता देता हूँ इसमें मेन रोल किस किस के हुए हैं। जी हाँ, निया शर्मा एक नागिन का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि निया शर्मा नागिन बनी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले निया शर्मा ने जमाई राजा की सीजन 2 वेब सीरीज की थी। हालांकि सीजन 3 में सुरभि ज्योति को आपने देखा गया होगा और सुरभि ज्योति काफ़ी अच्छे एक अलग ही अंदाज में आपको नजर आई होगी। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ निया शर्मा के साथ में जैस्मिन भसीन का भी एक अहम रोल है। जैस्मिन भसीन की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया था, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं अलीसा पनवर को इस शो में काफ़ी मिस किया जा रहा है सुरभि ज्योति के साथ साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरभि ज्योति ने जिस तरीका से एक रोल किया था वो काफ़ी दमदार था, लेकिन एकता कपूर की चॉइस के ऊपर निया शर्मा इस शो में कास्ट हुई थी और कहीं ना कहीं पत्ता कट गया सुरभि ज्योति का। तो फिलहाल निया शर्मा इस शो में एंट्री ले चुकी हैं, जो कि निया शर्मा का एक दमदार रोल दिखाया गया है। अगर किसी वजह से निया शर्मा की वजह से अगर रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि निया शर्मा को इस शो में बहुत ही रिक्वेस्टफुली लाया गया है, क्योंकि निया शर्मा पहले भी कलर्स चैनल पर काम कर चुके हैं। कलर्स चैनल की बात करें तो कलर्स चैनल पर निया शर्मा अर्जुन बिजलानी और उनके साथ साथ में अलीसा पनवर के साथ में काम कर चुके हैं। जी हाँ, अलीसा पनवर के साथ में अर्जुन बिजलानी के साथ में उन्होंने इक्स में मरजावा में काम किया था, जो कि इक्स में मरजावा एक सीजन सुपरहिट रहा था, जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। एंटरटेनमेंट जगत और टेलीविज़न की खबरों के लिए मैं आपको बताऊं तो निया शर्मा एक अहम किरदार करती हैं, क्योंकि TRP ज़्यादातर वो हर एक TRP को खींच लेंगी, क्योंकि TRP में भी ये शो नंबर 1 बनने वाला है। कलर्स चैनल की बात करें तो कलर्स चैनल जैस्मिन भसीन और निया शर्मा को ये चांस बहुत ही सूझबूझ करके दिया है और एकता कपूर इस सीरियल को डायरेक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं एकता कपूर को इनसे काफ़ी उम्मीद है, जिस तरीका से नागिन का किरदार निभा रही हैं ये दोनों एक्टरनी, इस तरीका से उन्हें काफ़ी उम्मीद भी, और ये उस उम्मीद पर काफ़ी खराबी उतरेंगी, क्योंकि निया शर्मा और जैस्मिन भसीन काफ़ी सुलझी हुई एक्टरनी में से शुमार है, और कहीं ना कहीं 2019 की फाइनल लिस्ट में इन दोनों का नाम भी आ सकता है। क्योंकि अगर नागिन 4 की बात करें तो नागिन 4 काफ़ी अच्छा एक अहम रोल दिया गया है इन दोनों एक्टर्स को। इसके साथ साथ में मैं बता देता हूँ कि जैस्मिन भसीन ने पहले भी दिल से दिल तक में कलर्स चैनल के लिए काम किया है, क्योंकि दिल से दिल तक में इनके साथ साथ में शुक्ला जी ने भी काम किया था, जो कि आपको पता सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में उन्होंने काम किया था, लेकिन मिस किया जा रहा है उस टाइम ज़्यादातर मौनी रॉय अर्जुन बिजलानी को इस शो में काफ़ी मिस किया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत इन लोगों ने ही इस शो की थी और इसी वजह से ये सुपरहिट कहलाया गया था। इसके साथ में शीतल जायसवाल, अंकिता लोखंडे को भी आप बहुत ही जल्दी देख पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे को तो आपको पता ही चल गया होगा कि इनको भी बहुत जल्दी देख पाएंगे, क्योंकि पुरानी टीम को सबसे ज़्यादा मिस किया जा रहा है निया शर्मा के साथ में। हालांकि काफ़ी टीम ज्वाइन कर चुकी है और काफ़ी टीम ज्वाइन करना बाकी है, अभी जो ज्वाइन करना बाकी है उनके बारे में मैं आप लोगों को अपडेट करा देता हूँ, कौन कौन इस सीरियल को जल्दी ही देखने वाले हैं और कौन कौन इस सीरियल में चेहरे नए आने वाले हैं। तो चलिए मैं वीडियो के शुरुआत में चलता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ कलर्स चैनल पे अभी तक निया शर्मा और जैस्मिन भसीन ने नागिन 4 का कभी भी नागिन से कोई हिस्सा नहीं था, खाली नागिन 4 में ही पहली बार इन लोगों ने हिस्सा लिया, और नागिन 4 के हिस्सा लेने के बाद ही ये चर्चा अब शुरू हो चुके हैं कि अगर नागिन 4 सक्सेसफुल शो रहता है तो इन नागिन 5 में भी कास्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि निया शर्मा की और कहीं ना कहीं एकता कपूर की जिस तरीका से जुगलबंदी है आपको, क्योंकि एकता कपूर की फेवरेट एक्टर्स में से गिनी जाती है निया शर्मा, अगर
नागिन की पहली चॉइस में देखी जाए तो निया शर्मा का एक अलग और पहली चॉइस थी एकता कपूर की। एकता कपूर ने शुरू में ही हाँ कर दिया था। कहीं ना कहीं एकता कपूर हालांकि पुरानी टीम को भी तो मिस करती हैं, क्योंकि पुरानी टीम ने उनको काफ़ी एक नई पहचान दिलाई थी नागिन सीरीज को, और कहीं ना कहीं आज भी उस पूरी टीम को याद करने की कगार में। इसी के साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि सुरभि ज्योति भी इस सीरियल को काफ़ी सपोर्ट करती नजर आती है, क्योंकि एक रियलिटी शो में गई थी तो सुरभि ज्योति ने इस सीरियल को काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि पूरी ही टीम हालांकि सपोर्ट करती नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर अर्जुन बिजलानी और अलीसा पनवर जैसे चेहरे आ जाते तो इस सीरियल में चार चांद लग जाते, क्योंकि अलीसा पनवर ने जितना भी आज तक काम किया और अर्जुन बिजलानी ने, वो एक दमदार और एक अहम किरदार था। कहीं ना कहीं निया शर्मा भी इन दोनों को काफ़ी मिस करेंगी, क्योंकि मिस करने की वजह आप लोगों को बखूबी पता है, क्योंकि इन दोनों का एक अलग ही रुतबा और एक अलग ही रोल देखने को मिलता है। लोगों की बात करें तो लोग फिलहाल ये सोच रहे थे कि किसी तरीका से इसमें अलीसा पनवर एंट्री ले लें, क्योंकि अलग अलग चर्चा सुनने में आ रही थी, लेकिन एकता कपूर ने फाइनल कर दिया कि इसमें आपको नहीं देखने को मिलेंगी अलीसा पनवर, क्योंकि अलीसा पनवर इस शो का हिस्सा ही नहीं है, उनको साइन ही नहीं किया गया, बल्कि साइन जो किया गया वो जैस्मिन भसीन, निया शर्मा, इस तरीका के एक्टर को शामिल किया गया। हालांकि अलग रोल के लिए अंकिता लोखंडे, शीतल जायसवाल का भी नाम आया, लेकिन जिस तरीका से जायसवाल का रोल देखने को मिलेगा या फिर जैस्मिन भसीन का रोल देखने को मिलेगा, वो एक काबिले तारीफ और वो देखने लायक शो बनने वाला। कहीं ना कहीं रियल में अर्जुन बिजलानी को इसमें काफ़ी मिस किया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन बिजलानी की जोड़ी जिस तरीका से आपको पता ही है कि एक अलग ही रूप की जोड़ी थी, और अब जैस्मिन भसीन इसमें पूरा धमाल मचाएगी। शीतल जायसवाल की बात करें तो उन्होंने कुमकुम भाग्य में काम किया था। शीतल जायसवाल पहले भी GTV के लिए भी काम कर चुकी हैं, और कहीं ना कहीं उनका हर एक किरदार सुपरहिट किरदार में से गिना जाता है। अब दोस्तों देखना यही होगी कि कौन कितना सक्सेस हो पाता है इस शो के लिए, क्योंकि अलग अलग चर्चा, अलग अलग अटकलें सामने देखने को मिल रही हैं। वहीं आपको मैं बता देता हूं कि ये शो स्टार्ट हो तो चुका, लेकिन इसको कम से कम आपकी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप मुझे उम्मीद है कि आप इस शो को काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे की फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो अंकिता लोखंडे की फ़ैन फॉलोइंग निया शर्मा जी जैसी है, क्योंकि अंकिता लोखंडे ने पवित्र रिश्ता में काम किया था, जो कि उनके साथ में सुशांत सिंह राजपूत ने एक अलग ही किरदार निभाया था। सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत ने इनके साथ में काफ़ी टाइम काम किया था, और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह तो खैर पता नहीं चल पाई, लेकिन फ़िलहाल सुनने में आ रहा कि ये दोनों स्टार अगर एक बार फिर से काम करें तो शायद कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें लगा पाएंगे। अब देखना यह दोस्तों की किससे क्या उम्मीदें लग पाती हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इन जोड़ी को दोबारा देखना है तो आप दोबारा देखने के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं निया शर्मा और जैस्मिन भसीन को आप अभी भी देख पाएंगे, और आने वाले टाइम में इन शो के कलर शो के चैनल पे, मेरे चैनल पे जितने भी शो हैं वो सब प्रसारित किए जाएंगे। आपका कोई भी किसी तरीका की इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी कौन सी इंक्वायरी है और क्या आपको जानकारी चाहिए, मैं आपको हर एक जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। इसके साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ, निया शर्मा पहले भी एक अलग अलग चैनल के लिए काम कर चुके हैं, क्योंकि निया शर्मा के आज की डेट में फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी यंग एक्टर में से शुमार हैं। निया शर्मा खतरों के खिलाड़ी में भी नज़र आ चुकी हैं, जमाई राजा की सीरीज वन में भी नज़र आ चुकी हैं, और जमाई राजा की एक वेब सीरीज में भी नज़र आ चुकी हैं, और दोनों पार्टन में इनके साथ में इनके अपोजिट काम किया था रवि दुबे ने। रवि दुबे जो कि टेलीविज़न का एक सबसे चहेते सबसे फेवरेट हिस्सा में से शुमार हैं, और रवि दुबे से हमेशा से ही इनको काफ़ी सपोर्ट भी करते नज़र आए। कहीं ना कहीं रवि दुबे की वजह से ये चल भी रही हैं, और रवि दुबे इनको आज भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस सीरियल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि 2019 का सबसे बड़ा सीरियल बनने की कगार में है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को हमेशा सपोर्ट कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसके साथ साथ में कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, और कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप मेरे को कर सकते हैं कमेंट, और अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में ये जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो दोस्तों आप आगे वीडियो स्टार्ट होने वाली है, आप देख लीजिए।